नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। ये जो वीडियो स्पेसिफिकली कस्टमर्स का फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस, यानी जो हमेशा जो क्वेश्चंस आती है कस्टमर्स का, तो उस बारे में जो ये वीडियो है, तो आप इसको पूरा देखिए। जो ये मेरा साथ जो खड़ा है रेम्या, यस रेम्या इज देयर विद यू टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, तो उसको सारे जवाब देंगे और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिलवा देंगे दोस्तों। तो यस, टेल मी। यस, ओके सर, नमस्ते सर। ये है कि रेंटेक जो बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में तो मुझे हर चीज़ के बारे में जानकारी है। यस, हमें चाहिए जो सवाल है वो आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए कि बिल्कुल ये बताओ कि जो रेंटेक बिल्डिंग सॉफ्टवेयर वो छोटा था, यस, पब्लिक में जो ज़्यादा आया ही नहीं था, yes. अभी लाखों लोग देखते हैं आपके वीडियोस, ये लाखों लोग खरीदते हैं, अभी पूरे जो जो हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, yes. ये जो इसकी जो बीच की जो कहानी है, ये सर ने कहाँ से स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, यस, वो बता दो कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी है वो हमने आपके पास भी शेयर करता हूँ। जैसा हमारे पास कस्टमर्स लाखों लोग देखते हैं, आई डू एग्री, बट अपना जो कस्टमर है करंटली, जो कई सारे कंपनीज ब्लंडर बोलता है, हमारे पास इतने इतने कस्टमर्स है, एग्जैक्टली 9,000 to 10,000 के बीच में कस्टमर्स है हमारा, इन बिटवीन 9,500 के आसपास से मैंने एक साल रिपोर्ट देखा, तो उतना ही मेरे जो फोर ईयर्स का जो जर्नी में, तो इतना ही कस्टमर है। तो इतना कस्टमर को समझ लीजिए, हमने एक जैसे एक नॉर्मल प्रोडक्ट बना के दे दिया, ओके उसको संभाल सकता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर जैसा प्रोडक्ट है उसको डाल करके, उसको इंस्टॉल करके, उसको सर्विस दे करके, उसका जितना भी हार्डवेयर है, कनेक्टिविटी कर करके, उसका प्रॉपर जेन्युइन तरीके से सर्विस देना होता है, तो इसका इतना ही कस्टमर होता है जेन्युइन वे में। अगर जेन्युइन वे में आपने समझ लीजिए, हमने अभी बिजनेस किया था, और जैसा ये जो बिल्डिंग सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट वे में बोलता हूँ, जैसा आप पब्लिक समझ लीजिए, पब्लिक में समझ लीजिए एक 5,000 नॉर्मल विलेज एरिया वगैरह में, एक 5 to 10,000 लोगों से भी आपने हिसाब रखेंगे तो एक या दो लोगों को चाहिए, हर किसी को नहीं चाहिए बिलिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन जो लोगों को चाहिए उसका डिमांड, उसका रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है जो बिजनेस करने वाला, क्योंकि उतना सारे लोगों के लिए एक ही सॉफ्टवेयर है। अब समझ लीजिएगा, समझ लीजिए आपने एक सुपरमार्केट खोलती है, सुपरमार्केट में जो सॉफ्टवेयर होता है, कई सारे लोग आते हैं, कई सारे चौथी, उसी में जो सॉफ्टवेयर होता है, जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर होता है, उसका मेन है, उसका जान होती है, वो हमने उस तरीके से बना के छोड़ना पड़ता है, तभी जा करके वो ढंग से काम करेंगे, नहीं तो कस्टमर आएंगे जो भी बिलिंग करने के टाइम उल्टा सीधा काम हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, डस्ट, कोई मतलब चला ही नहीं सकता उसको। तो इसका पीछे इतना मेहनत होता है, जो हमारा जो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो में भी दिखाया था, जो हमारा जो टीम जो है वो इतना सारा मेहनत करके उसको बनाया था, है ना। तो उसके बाद हमने जैसा हमने 2016-2017 में जब भी शुरू किया था, 2016 आसपास, उसी समय हमारे पास इतना कस्टमर है ही नहीं था। हमारा बेसिक रेंडक का बेसिक बिजनेस क्या था, जो हार्डवेयर वगैरह इम्पोर्ट करते थे अदर कंट्रीज वगैरह, प्लस उसको ऑल ओवर इंडिया, यानी बेसिकली हमने केरला में है, हम नॉर्थ साइड में उसको मार्केटिंग कर रहे थे। तो वो कस्टमर जैसे हमारा जो प्रिंटर वगैरह जो लेती है, उसका जो रिक्वायरमेंट है, वो मात्र प्रिंटर देने से हमको कैसे चलेंगे, हमको सॉफ्टवेयर दिला दो, इस तरीके से कई सारा रिक्वायरमेंट आया। फिर मैंने एक एक करके सॉफ्टवेयर भी मतलब देना शुरू किया। हमने स्टार्टिंग में हमारा खुद का सॉफ्टवेयर ही नहीं था, उसके बाद डिमांड इतना बढ़ गया, जो नॉर्मल जो मैंने सॉफ्टवेयर किसी को रेफ़र करके देते थे स्टार्टिंग में, या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कंपनी को रेफ़र करके देते थे, तो उन लोगों को प्रॉपर सर्विस नहीं देते थे जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है। तो उस सिचुएशन में रेंडक हमने क्या किया है, मैंने क्या डिसाइड किया, हमको ये सॉफ्टवेयर हमको खुद का बनाना है, एक नंबर का सॉफ्टवेयर बनाना है, सारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट उसको मीट करके, जो नॉर्मल पर्सन को यूज़ करने के लिए सिंपल वे में उसको चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर का हाइब्रिड यानी हाई ब्रेन स्टाफ को लेकर के कुछ उल्टा सीधा बना के रखना नहीं, जो नॉर्मल आदमी जिसको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो एज लोग हैं, समथिंग लाइक दैट, मैं विथ रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स बोलता हूँ, कोई भी हमारा कस्टमर्स जो जितना भी हमारे कस्टमर्स है, इतना हाई डिग्री वाला कोई नहीं,
नॉर्मल यानी इवन मी आल्सो नॉर्मल विथ रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, मेरा जितना भी कस्टमर्स है उसको विथ रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स मैंने बोल रहा हूँ। अगर है उसको एजुकेशन वेरी गुड ही कैन रन इट, और जिसको नॉर्मल का नॉर्मल पर्सन भी इसको आराम से चला सकता है ना। उस बेस में हमने एक एक करके बना के ले, उसमें एक मैंने गारंटी चीज़ बोलता हूँ कस्टमर का जो भी उसमें जो भी कई सारी चीज़ होती है उसमें, नॉट सिंगल थिंग, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर में कई सारी थिंग्स होती है, जैसे आपका बार कोडिंग हो गया, बिलिंग हो गया, सारे हार्डवेयर होना, इसका सारे सेटअप होना, कनेक्टिविटी होना सारे सबको, तभी जाकर के ये सब कुछ काम करेंगे, अदरवाइज इट इज वेस्ट, इट्स एब्सोल्युटली वेस्ट। तो ये सब कुछ 100% हमको करके देना, ये एक भी छोड़ नहीं सकता है। इसलिए बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो अगर बिजनेस करना है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, और हमने वो सारे कॉम्प्लिकेशन से जब भी कवर कर सकता है, उतना ताकत है तो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज वी विल नेवर एवर गो अहेड। उसमें कई सारे टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो भी हमको कवर करना है। तो इस तरीके से ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर का बिजनेस आगे चलते हैं, और उसी बेस में हमने एक एक बना करके अभी पब्लिक लिमिटेड तक क्यों लेके आया है, अभी हमने हार्डवेयर का भी प्रोडक्शन करना है, रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। हमने मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर तक उसको IPO वगैरह लॉन्च कर देंगे, और हमने जेन्युइन हार्डवेयर्स प्रॉपर तरीके से और सस्ता प्राइस में सबको दिलवाने के लिए हमने प्लान कर रहा हूँ, मतलब जेन्युइन हार्डवेयर बना के छोड़े मार्केट में। यस ओके। दूसरा सवाल जो है, अपने कहा कि 9500 आपके पास पब्लिक मिस आपकी जो क्लाइंट है, yes. वो आप यहाँ बैठकर उनको कैसे हैंडल करते हैं? जैसा हमारा जो क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में है और एब्रॉड भी हैं जी, कई सारे क्लाइंट्स एब्रॉड भी हैं, तो ये जो क्लाइंट को हमने एनी डेस्क और TeamViewer वगैरह जो कनेक्टिविटी होता है, जो स्क्रीन शेयरिंग का होता है, उसका माध्यम से हमने एनी डेस्क और TeamViewer से इधर से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करके उसका पूरा ट्रेनिंग देते हैं फ़ोन पे बात करके या वीडियो कॉल करके, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे, अभी करंटली जो कोरोना का सिचुएशन में और बेटर होंगे, क्योंकि कीप डिस्टेंसिंग जो मेंटेन कर सकता है। दूसरा क्या है, जो हमने कोई भी इंडिया में कोई भी कॉर्नर, फॉर एग्जांपल कोई गिल्ली जगह पे, यानी फॉर एग्जांपल कोई विलेज एरिया समथिंग लाइक दैट, वहाँ कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है ही नहीं, तो हमने क्या कर सकते, इंटरनेट तो हर जगह पे, तो हमने क्या कर सकता है, जो यहाँ बैठ करके उसको एक्सेस कर सकता है, उसको सॉफ्टवेयर दिलवा सकता है, यानी नॉर्मल का नॉर्मल विलेजेस में भी हमने सॉफ्टवेयर पहुंचा सकता है इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो स्क्रीन शेयरिंग आपने गूगल में भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएंगे एनी डेस्क और TeamViewer वगैरह क्या होता है। वो एक स्क्रीन टू स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पास एक कंप्यूटर है, वो हमने शेयरिंग कर सकता है, यानी उसका जो स्क्रीन, फिर हमने एक एक करके इंस्टॉल कर देंगे, आपको दिखाई देती है आपका सामने सामने, तभी आपको समझ में आ जाएंगे। और आपको जो फ़ोन में हमने समझा ये ऐसा करना है, परचेस एंट्री ऐसा करना है, सेल ऐसा करना है, बार कोड ऐसा करना है, प्रिंट ऐसा करना, और प्रिंटर जितना भी हमने उधर ही सेटिंग कर देती है कंप्यूटर में, आप सिर्फ उसको जितना भी केबल वगैरह है वो जोड़ के दे दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने वेरी ईजीएस्ट वे में उसको सेटिंग कर सकता है, यानी कोई दिक्कत नहीं आएंगे, है ना। यस। और दूसरा सवाल ये है कि अभी किस तरह के सॉफ्टवेयर आपके पास है? जैसा रेंट के पास मेनली जो स्टार्टिंग से ही, यानी सिंस फॉर 3-4 ईयर्स हमने पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर में कॉन्सेंट्रेट किया है, जो रिटेल बिलिंग इसलिए हमने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, उसी का डिमांड था, उसी के ही रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसका एक ट्रस्ट होता है रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का, क्योंकि हमने जो सॉफ्टवेयर देता है वो सॉफ्टवेयर में उसको सारे कंट्रोल कर सकता है, वो मतलब बिलिंग वगैरह हार्डवेयर वगैरह सब कुछ। और उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता है, जैसा सुपरमार्केट्स और जैसा हार्डवेयर शॉप्स, जैसा कपड़े का जो टेक्सटाइल्स वगैरह, इन सब के लिए और स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होती है, इन सब के लिए कई सारे वेरी माइनर रिक्वायरमेंट से वो बहुत ज़्यादा है। माइनर रिक्वायरमेंट्स में मैंने बोला है वेरी स्मॉल थिंग्स है, लेकिन वो नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा है, यानी वो सब कुछ हमने जब भी बना के देंगे तभी जाकर के एक यूज़र फ्रेंडली वे में उसको चला सकता है।
अदरवाइज सर इतना हार्ड रहेंगे, यानी मेनली क्या है ना जी, एक सॉफ्टवेयर में सुबह से शाम तक एक मतलब बिजनेसमैन बैठता है उसमें, सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग सारे काम उसी में होता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर इतना प्रॉपर जेन्युइन वे से काम नहीं करते हैं, उतना इरिटेट लगेंगे, सुबह से शाम होंगे हम थक जाएंगे। सिंपल वे में हमने बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है, सॉफ्टवेयर ऐसा एक चीज़ है, हमको सॉफ्टवेयर हेल्प करे तभी जाकर के हमने उसको यूज़ कर सकता है। दिस इज जेन्युइन थिंग। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क दिखते हैं सॉफ्टवेयर में? हाँ। देखो दो तरीके का सॉफ्टवेयर होता है मेनली जो बिलिंग सिस्टम है रिटेल में। एक ऑनलाइन यानी सर्वर में है जो सॉफ्टवेयर, आप उसको मतलब इंटरनेट का कनेक्टिविटी के थ्रू यूज़ करती है, उसके लोगों के पास इतना ट्रस्ट नहीं है। जो रेंडेक्स सॉफ्टवेयर क्यों ऑफलाइन है, इसी का ही डिमांड है ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो हर एक कस्टमर के कंप्यूटर में है, यानी मेरा जितना भी कस्टमर है उनका कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती है, विंडोज़ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती है, उसी कंप्यूटर में चलता है। तो अगर इंटरनेट ना हो कोई बात नहीं, अगर समझ लीजिए इंडिया में इतना सारा इंटरनेट का फैसिलिटी है, फिर भी कई जगह पे कई समय में कई जगह पे मतलब प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में भी जो भी बिजनेस जो भी करता है उनका कोई बिलिंग का दिक्कत ना हो, कोई भी कस्टमर खड़ा हो ना हो, इसलिए लोग प्रेफर करता है ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। इसलिए हमने ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अभी तक बनाया। अभी नेक्स्ट आगे भी प्लान है मल्टीपल ब्रांचेस कंट्रोल करने के लिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का भी प्लान है, इट्स अंडर प्रोडक्शन। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग रिकमेंड करता है, जो लोग मांगता है ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, एंड रेंडक इज ओनली बेसिकली इज ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। ये बताओ कि हार्डवेयर जो है वो किस प्रकार के आपके पास है? हार्डवेयर फॉर एग्जांपल हमने जो सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करती है जी। कई सारे हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होती है, कई सारे नहीं, जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू। ये सब ये जो हार्डवेयर है, ये जो मैंने इसका भी लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, ये जो प्रिंटर्स प्रिंटर है एक्चुअली LP46 NEO, ये जो प्रिंटर में एक फैसिलिटी यही है जी, आपको जो बार कोड्स वगैरह होती है, मैंने इधर कुछ सैम्पल भी लेकर रखा हुआ है, जो भी बार कोड्स होती है ना, जो लेबल्स, ये लेबल भी आपको इसमें से प्रिंट कर सकता है। और कस्टमर का जो इनवॉइस देती है, जो कई सारे स्टाइल का मतलब इनवॉइसेस होती है, मतलब ये जो इनवॉइसेस सब कुछ आपने यहाँ से ये जो प्रिंटर से प्रिंट कर सकता है। ये जो एक ब्यूटीफुल हार्डवेयर है, ये हाई मूविंग आइटम है एक्चुअली, कई सारे लोगों का रिक्वायरमेंट है और इसका शॉर्टेज भी है अभी बहुत सारा, यानी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम ही है। अभी अमेज़न में भी कुछ स्मॉल क्वांटिटी अवेलेबल, लेकिन एकदम ब्यूटीफुल प्रिंटर है LP46 NEO। ये जो है हमने जैसा ये जो शॉप होती है, जैसा कपड़े का जो दुकान होती है वगैरह वगैरह में, ये जो प्रिंटर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो प्रिंटर में एक फ़ायदा है, इसके अंदर रिबन भी डाल सकता है, जैसा आपने बार कोड वगैरह प्रिंट करने के लिए रिबन डाल के प्रिंट कर सकता है सीधा सीधा, यानी उसमें फिनिशिंग एक नंबर आता है रिबन डालेगा तो। और ये जो थर्मल ट्रांसफर एक्चुअली, और जब भी कस्टमर का बिल दे देंगे आपको, जो बिल रोल डाल देंगे, तो उसमें आपने रिबन निकाल दीजिए, डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं बिल वगैरह, उसके भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, देखिएगा उसको। तो ये सब क्या हो गया ना जी, कस्टमर को समझ लीजिए कम बजट है स्टार्टअप में, तो ये सब लगाने से आपको बजट बहुत कम होगी, लेकिन अलग अलग प्रिंटर लगाएंगे आपको फिर प्रिंटर के ओवर एक्सपेंसेस आएंगे, बहुत दिक्कत दे देंगे। तो ये सब क्या होता है ना, ये जो प्रिंटर आपको बहुत मतलब प्राइस कम करके देंगे। और दूसरा एक हार्डवेयर जो है ना, ये जो थर्मल प्रिंटर, ये मात्र बिलिंग करने के लिए, यानी कस्टमर का जो बिल होती है ना जी, ये जो बिलिंग जो होती है, मात्र ये बिलिंग करने के लिए ये जो प्रिंटर यूज़ करते हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्रिंटर है, एक्स प्रिंटर का। इस तरीके से कई सारे प्रिंटर्स हैं, एक्स प्रिंटर है, यानी एवरीकॉम है, ATPost वगैरह वगैरह कई सारे प्रिंटर्स हैं, ये 5,000-6,000 तक आती हैं ये। लेकिन ये जो प्रिंटर का प्राइस पहले 13,500 रुपीज़ था, अभी 15,000 तक पहुंच गया हुआ है इसका प्राइस। आप और दूसरा क्या है जो हार्ड, जो कैश ड्रॉयर वगैरह, कैश ड्रॉयर वगैरह अराउंड 3,700 के आसपास आपको मिल जाती है। और इसका जो बारकोड का जो गन वगैरह जो होती है, हमने TVS का नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसका सर्विस मिलती है इंडिया में और इसका ख़राब नहीं होता है। ख़राब होने वाला चीज़ हमने दे दिया तो हमको भी दिक्कत होता है, इसलिए करके हमने जो ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स है वो हमने देती है, कई सालों से कस्टमर्स का एक्सपीरियंस वो प्रोडक्ट हमने, क्योंकि हमने एक हार्डवेयर देने के बाद उसको कोई दिक्कत हो गया, फिर उसको वापस भेजे, फिर उसको रिपेयर करें,
हमें भी टाइम जाती है, हमारा पैसा भी खर्च होती है, क्योंकि हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी हार्डवेयर किसी के कस्टमर का प्रॉब्लम हो गया है बस, तो वो कस्टमर से भी एक रुपये नहीं लेता है। और TVS की एक फैसिलिटी क्या है, TVS कंपनी वहाँ जा कर के सर्विस देती है, जो आपका बिजनेस जहाँ है वो, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में उसका सर्विस टीम अवेलेबल है। तो और कुछ पेपर रोल, स्टिकर रोल वगैरह चाहिए, और बिल वगैरह करने के लिए बिल का रोल चाहिए, है ना, ये सब कुछ हमने यहाँ से पैकेज भी प्रोवाइड करता है, यानी सॉफ्टवेयर के साथ फुल हार्डवेयर के साथ। और मॉनिटर के बारे में जैसा मैंने बोला कि मॉनिटर आपको टच स्क्रीन मॉनिटर वगैरह खरीद के एक्सपेंसेस देने की कोई ज़रूरत नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर में चलाइए, नॉर्मल लैपटॉप लगाइए, नॉर्मल PC लगाइए, डेस्कटॉप PC, सिंपल। और जैसा आपको नेटवर्किंग करना है 3-4 PC में शेयरिंग वगैरह करना है, तो भी आपने डेस्कटॉप रखिए जो मेन PC, सर्वर PC, और जितना भी क्लाइंट PC है यानी यूजर PC है, जैसे Counter 1, Counter 2, उसमें नॉर्मल PC रखिए। Windows 8 और Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए, i3 और i5 प्रोसेसर डाल दीजिए, बेटर। और मैंने सर्वर PC के लिए थोड़ा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन रखा, i5 प्रोसेसर वगैरह लगा दो, और इसमें RAM थोड़ा सा अच्छा रखिए, A4 to 8 GB, सो इट विल बी ब्यूटीफुल यानी, यस। ओके, जो मार्केट में जो सॉफ्टवेयर है और जो रेंडक बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या खास बात है? रेंडक बिलिंग सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ों से मैं बताता हूँ आपको। रेंडक सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ओनली बिलिंग सॉफ्टवेयर, रेंडक सॉफ्टवेयर में आपने बिलिंग के साथ साथ आपका मार्केटिंग भी कर सकता है, यानी आपका सेल आगे ले जाना है। वो कैसा है, समझ लीजिए, आपने इसमें एक फैसिलिटी है प्रिविलेज कार्ड, आप अपने एक बिजनेस शुरू किए, आप प्रिविलेज कार्ड चलाइए, कस्टमर को सारे प्रिविलेज कार्ड दे दीजिए, डिस्काउंट कार्ड होता है वो, आपको समझता है प्रिविलेज कार्ड क्या है। वो कार्ड चलाने से क्या होंगे, आपको कस्टमर, आपका जो कस्टमर है आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जो डिस्काउंट उनके हाथ में है वो वापस मुड़ के आएंगे आपके पास। एक फैसिलिटी है, ब्यूटीफुल फैसिलिटी है, इसमें कई सारे फैसिलिटी है, मैंने एक दो फैसिलिटी आपको बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको दूसरा क्या है, कूपन कोड का फैसिलिटी है। कूपन कोड ऐसा है जी, समझ लीजिए आपका जो एक मंथ का जो टोटल कस्टमर्स है, उनसे कुछ कस्टमर्स को कुछ कूपन सेंड करना है, तो 150 rupees का डिस्काउंट मिला है, वो आपने इस महीने के अंदर इस्तेमाल करना है, ऐसे ऐसे बोल करके जो कूपन्स होती है आपने कई सारे जगह पे देखे होंगे, तो वो सब कुछ इस पे चला सकता है, ताकि आपको मार्केटिंग आगे ले जा सकता है। और जैसा ESMS, जितना भी कस्टमर्स हैं उनका मोबाइल नंबर में आपको प्रिविलेज चला सकता है, वो जो सब नंबर्स आपको मिल जाती है, फ़ोन नंबर, जब भी आपने ऑफ़र वगैरह चलाना है तो आपको एक जब भी वेबसाइट आपने मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल SMS का जो फैसिलिटी आपने लेंगे, उधर एक एप्लीकेशन होती है ग्रुप SMS का, ग्रुप SMS करिए, सारे नंबर इस सॉफ्टवेयर से मिल जाती है। तो इस तरीके से कई सारे मार्केटिंग फैसिलिटी भी रेंडक POS में जोड़ के रखा हुआ है, ताकि आपने मात्र बिलिंग नहीं है जी, आपका बिजनेस ला के देंगे वो, उस तरीके से हेल्प करता है जो रेंडक POS बिलिंग सब। और कुछ बताता हूँ मैंने, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस चलाता है, सबसे बेस्ट सेलिंग आइटम कौन कौन सा है, कौन कौन सा आइटम का स्टॉक ख़त्म होने वाला है, क्योंकि स्टॉक ख़त्म होने वाला आइटम हमको लेके रखना है, अदरवाइज जब भी स्टॉक ख़त्म हो जाएंगे कस्टमर आके पूछेंगे तभी याद आएंगे, फिर वो रेपुटेशन ख़राब हो जाएंगे। स्टॉक जो ख़राब होने वाला आइटम्स आपने लेके रखेंगे तो आपको मतलब आपका बिजनेस आगे प्रॉपर तरीके से उसको चला सकता है। वो सारे फैसिलिटी रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में लगा रखा है, यस। तो ये बताओ कि आपके हाथ में कौन से के टाइप के लेबल हैं? लेबल्स देखो, कई सारे टाइप के लेबल्स होती हैं, ये जो है 2x1 इंच का जो लेबल्स है वो सब कुछ आपने यहाँ से ये जो प्रिंटर से प्रिंट कर सकता है, और इसमें कोई भी साइज़ आपको चाहिए, जैसा 2x1 इंच, 2x2 इंच, 3x1 इंच, आपको बड़ा साइज़ का चाहिए, 4x6 इंच, यानी जो साइज़ का भी लेबल इसमें से प्रिंट कर सकता है। और इसमें से जैसा ज्वेलरी वगैरह टैग्स भी, ज्वेलरी टैग्स बहुत छोटा होता है, आपको जो रिंग वगैरह में जो ऑर्नामेंट्स में लगाती है वो भी आपने इसमें प्रिंट कर सकता है। इसमें आपको देखिए, इसमें क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी, वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ना, ये एक्चुअली पेपर है, पेपर होता है, ये जो स्टिकर पेपर है ये एक्चुअली एक प्लास्टिक जैसा होती है एक मटेरियल, ये आपको मतलब प्रिंट होता है, लेकिन जितना भी आपका जो नेम, शॉप का नेम, वजन, ग्राम वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको जो टाइपिंग मैटर से वो आती है, बार कोड आना मुश्किल है। बार कोड आने के लिए आपको और हाई लेवल के प्रिंटर को लेके आना पड़ेगा, टू बी फ्रैंक। तो बार कोड जब आएंगे छोटा सा ये मतलब उसमें रीडिंग का मुश्किल होता है, इसलिए मैंने बार कोड ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा।
ना बारकोड मतलब इतना छोटा साइज में, क्योंकि ये बहुत छोटा है, मतलब 1 सेंटीमीटर से छोटा है मेरे ख्याल से स्टिकर, तो ये स्टिकर में बारकोड मतलब मैंने ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगे, लेकिन आपको जो भी नेम वगैरह इन्फॉर्मेशन देना है, जो ऑर्नामेंट्स का वजन वगैरह डालना सब कुछ इसमें हो सकता है। और ये जो थोड़ा सा बड़ा साइज है 2x1 इंच जैसा साइज होती है, तो इसमें आपको जो लगाना है, जो बनाना है, जो 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 इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ लगा सकता है। ये जो प्रिंटर हैवी ड्यूटी प्रिंटर इंडस्ट्रियल यूज़ की, मतलब इसमें कितना भी नंबर ऑफ बार कोड कंटिन्यूसली आपने प्रिंट करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं देंगे प्रिंटर। ये प्रिंटर इतना हैवी ड्यूटी प्रिंटर है। यस सर, ये बताइए कि अब जो रेंटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर है, आपने इतना कुछ कर दिया, आगे क्या प्लानिंग है आपका? आगे समझ लीजिए, हमने अभी कई सारे कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल ब्रांचेस कंट्रोल करना है। मल्टीपल ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल हमने एक जगह बैठ करके हमारा वेयर हाउस मल्टीपल ब्रांचेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए फैसिलिटी, वो इट इज़ अंडर प्रोसेस नाउ। और दूसरा क्या है, अपना जो रिसेंटली हमने वेबसाइट वगैरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया PHP प्रोजेक्ट से, और उसी में हमने बिलिंग वगैरह करने के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहा हूँ, यानी PHP प्रोजेक्ट, यानी वेबसाइट के साथ साथ बिलिंग सॉफ्टवेयर भी अटैच कर रहा हूँ ऑनलाइन। और नेक्स्ट क्या है, अपना जो कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं, यानी ब्यूटीफुल मोबाइल एप्लीकेशंस, उसके बारे में मैंने अभी नहीं बता रहा हूँ, वो लॉन्च होने के बाद बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यानी अगले साल तक तो कुछ हो ही जाएगा। और डेफिनेटली विद इन 2-3 मंथ्स पीरियड वी विल ब्रिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हमने लाते हैं। और जो वेबसाइट अभी हमने लॉन्च किया हुआ है, एकदम ब्यूटीफुल वेबसाइट है, हमने नॉर्मल का नॉर्मल पर्सन उसको यूज़ कर सकता है। मेनली क्या होता है, एक वेबसाइट में एडमिन पैनल मेन इंपॉर्टेंट होता है, हाँ लोगों को देखने के लिए फ्रंट एंड एकदम ब्यूटीफुल होना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट वेबसाइट में, लेकिन एडमिन पैनल जब भी यूजफुल नहीं होंगे वो चला नहीं सकता। जैसा प्रोडक्ट डालना है, प्रोडक्ट का पिक्चर डालना है, मल्टीपल इमेजेस डालना है, प्राइस डिफरेंट प्राइसेस डालना है, और डिलीवरी एरिया सेट करना है, पेमेंट गेटवे सेट करना है, ये सारे फैसिलिटी हमारा जो रेंटेक का जो वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं उसमें है, ताकि नॉर्मल के नॉर्मल पर्सन को इसको ऑपरेट कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल कई सारे वेबसाइट ऐसा है, एक बार वेबसाइट बन गया फिर उसको वैसा ही जैसा का वैसा, ये ऐसा नहीं है। आपको जब भी उसका जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी डेटा चाहिए, जो भी फोटो वगैरह चेंज करना है, एडमिन पैनल एकदम स्ट्रॉन्ग है, और आपको डिलीवरी बॉय असाइन करने के लिए भी ऑप्शन है उसमें, तो एकदम ब्यूटीफुल एडमिन पैनल के साथ ये वेबसाइट आपको प्रोवाइड होता है जी। यस अगले साल के लिए शुभकामनाएं। डेफिनेटली सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।